तो कहाँ से आप, मतलब घर आपका कहाँ है? सराने। अच्छा। बड़ी परेशानी होती होगी आपको ये सारा लेकर दौड़ना। परेशानी तो खैर होते हैं, अब शाम के जाए जब मगरिब टाइम तक घर पहुंची। हाँ यहाँ से पैदल जाई। अच्छा, वहाँ से चला वाला जाए सर। तो रोजाना मतलब जैसे करते हैं कि जैसे एक आध दिन नाका भी हो जाता है? नाका भी शादी भी अगर जैसे काम लेते भी कर लेते हैं। अच्छा, जैसे थक भी जाते होंगे करते करते। हाँ थक भी जाते हैं। तो अभी जैसे बाल बच्चों के मतलब कमाई का कोई सिस्टम सही नहीं है अभी कि वो आपको संभालने पूरा खर्चा? अगर वो चाहते तो संभाल लेते। परेशानी है कि पूरा खर्चा जब नहीं पड़ता होगा तो आपको निकलना पड़ता हो, तो ये तो बड़ा मसला है। सब लादे फाने हैं, कभी कभी तो कुत्ते वगैरह भी झपट लेते होंगे, होता है ऐसा? अरे चार मरता काट, यानी ये काम करते हुए आपको चार बार कुत्ता काट चुका है? अच्छा, चार बार इस काम को करते हुए काट चुका है आपको? यानी कई बार तो आप रोक के उसको भगाए होंगे, बचे होंगे? बचे तो चुप्पे काटा है, और तैसी यही से चार मिला, और उसके बाद हम तराजू से मैं लोहा तौल लेते आकर काटा। दोस्तों ये कितनी बड़ी इबरत की बात है कि इस बुढ़ापे के आलम में इतना बोरिया लेकर और गली गली जो है मतलब सफर कर रहे हैं बेचारे रोजी रोटी के लिए, और ये बता रहे हैं कि मुझे चार बार कुत्ता भी काट चुका है। कितनी गैरत की बात है अमीरों के लिए कि अगर थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते तो इनको ये काम करने की नौबत ना आती कि चार बार कुत्ता काट चुका है। कितनी ज़्यादा जो है डूब मरने वाली बात है। लेकिन दोस्तों हम ज़्यादातर अपने ऐशा आराम में मुब्तला हैं, अपनी ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों को निगाह में रखना है, उनकी सपोर्ट करना, हेल्प करना है। मुझसे जो हो सका मेरे भाई मैंने मदद की, जिसको दिखाना ज़रूरी नहीं है। आप लोग भी ऐसे लोगों की मदद करिए, ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है। और इसको शेयर करो ताकि जो है लोग को इबरत हासिल हो। मुझे तो सुन के बहुत हैरत हुई कि चार बार इनको कुत्ता काट चुका है इस काम को करते हुए। ये बुढ़ापे का आलम देखिए आप। अस्सलाम वालेकुम।